चेहरे की सुंदरता कैसे बढ़ाएं? चेहरे की चमक, ओझ कम अगर हो जाए, आपके चेहरे पर झाइयाँ हो जाएं या आपका चेहरा डल हो जाए, तो उसको कैसे चमकाएं? बिना किसी दवा के, बिना किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के। आज का ये सब्जेक्ट कि आप अपने घर पर ही कैसे चेहरे की चमक बढ़ा सकते हैं बिना कुछ खर्च किए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये वीडियो आपके जीवन उपयोगी वीडियो है, तो आप इसको लास्ट तक देखें, तभी आपको ये फार्मूले मिल जाएंगे। चेहरे की चमक का कारण सबसे बड़ा, चमक ख़त्म करने का कारण है चिंता। जो चिंता करता है उसका चेहरा डल हो जाता है, काला पड़ जाता है, झाइयाँ आ जाती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है केमिकल इस्तेमाल करना। कॉस्मेटिक जितने भी हैं उनमें सब में केमिकल है। आप केमिकल से आप चेहरा साफ ना करें, अपनी खाल को ख़राब ना करें। मुस्कान आपका सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। चेहरे को चमकदार बनाने के लिए आप मुस्कराते रहें, मुस्कराने से आपका चेहरा चमकदार हो जाएगा। और कॉस्मेटिक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो खाल के बहुत से रोग पैदा हो सकते हैं। इसका को दूर करने के लिए आप योगा करें। योगा में आप प्राणायाम करें, और उसमें आप कपालभाति अगर करते हैं तो आपको 7 दिन में ही चेहरे पर प्रभाव दिखाई दे जाएगा। अगर आपको 7 दिन में चेहरे पर प्रभाव नहीं दिखाई देता तो आप इसको कमेंट में लिखें, हमें बताएं, फिर हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। और कपालभाति करने से 70 प्रकार के रोग भाग जाते हैं। चेहरे पर अगर झाइयाँ हैं, डार्क सर्किल हैं, कालापन आ गया है, तो सबसे अच्छा इलाज प्रकृति ने आपको ही दिया है। आपके मुंह की लार अगर कहीं निशान हैं, चेहरे पर दाग हैं, तो आप अपने लार को उस पर लगाएं। और लार एक ऐसी गिफ्ट है आपके कि वो आपके बहुत रोगों को दूर करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। अगर आप चबा चबा करके खाना खाते हैं तो आपके बहुत से रोग ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा चलता है। फिर है चेहरे पर रगड़ना। चेहरे को आप दोनों हाथ रगड़ें आपस में, और फिर चेहरे के ऊपर इसको रगड़ें। रगड़ने से आपको चेहरे से टॉक्सिक निकल जाएंगे, जो नहाने से पहले आपको करना है। आप साबुन लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, उससे इतने टॉक्सिन नहीं निकलते जितना आप चेहरे को रगड़ने से निकाल सकते हैं। गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे त्वचा खराब होती है, चेहरा खराब होता है। आप अगर सफाई अच्छी तरीके से करनी है तो आप एलोवेरा जेल चेहरे पर लगाएं, और फिर एक बर्फ़ का टुकड़ा कपड़े में बांध करके अपने चेहरे पर उसकी थोड़ी देर के लिए मसाज करें, और फिर आप थोड़ी देर में नहा लें। इससे आपके हजारों रुपया बचेंगे, केमिकल से पीछा छूटेगा, आपके कॉस्मेटिक से पीछा छूटेगा। फिटकरी आपके डिओडोरेंट की तरह प्रयोग में कर सकते हैं। इससे आप रिजल्ट देखेंगे कि कोई भी शरीर में आपको बदबू नहीं आती। एक बहुत अच्छा प्रयोग है जो हमारे दादी नानी भी करती आई है, मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी को आप पानी में मिक्स करके उसका पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगाएं, थोड़ी देर उसको रखें, फिर आप उसको उतार दें। आप चेहरे पर शहद लगाएं थोड़ी देर के लिए, और उसके फिर बाद में धो दें। इससे अच्छा स्किन टॉनिक नहीं है। आपके चेहरे पर चेहरा तना हुआ लगेगा, झुर्रियाँ ख़त्म होंगी और आपका रंग निखर जाएगा।
रंग निखारने के लिए एक बेहतरीन और तरीका है जो हमारे ब्याह शादियों में भी प्रयोग किया जाता है। बेसन हल्दी, इसका पेस्ट दूध में बनाएं और उसको चेहरे पर या सारे शरीर पर आप पेस्ट कर लगा सकते हैं। इससे आपकी सारी त्वचा सुंदर बनेगी और स्वस्थ बन जाएगी। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप बादाम रोगन लगा सकते हैं, और बादाम रोगन भी नहीं तो आप दही का प्रयोग कर सकते हैं। चेहरे पर दही लगाएं और थोड़ी देर के बाद वॉश कर दें, इससे आपका चेहरा निखर जाएगा। ये जो मैंने प्रयोग बताए हैं इसको करके देखें, तब आपके मन में खुद ही कॉस्मेटिक पर जो किया हुआ खर्चा है उस पर भी आप सोचेंगे। अब सोचें और मेरे बारे में भी, ये हमारी इस वीडियो के बारे में भी सोचें। इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।